जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ F7 में, तो मैंने सोचा कि आपको वो दिखाऊं। ये मुझे भी नहीं पता कि कैसे हुआ है, आई डोंट नो। अभी हम चेक करते हैं जाके, देखते हैं, पुलिस भी वाकई पे मौजूद है। देख सकते हैं ये हमारे एहलकार आए हुए हैं देखने के लिए, पुलिस एहलकार भी हैं, ट्रैफिक पुलिस भी है। तो आई थिंक इन्होंने ये फुटपैरी जो ग्रीन बेल्ट होती है दरमियान में रोड के, F7 रोड है F7 का, और ये यहाँ पे आए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं उसको कि वो दिखा दे के उसको ठीक कर सके। हमारे पुलिस एहलकार भी कोशिश कर रहे हैं, उनका उनकी हेल्प कर रहे हैं पूरी पूरी, ताकि तो यहाँ से गाड़ी मूव करा के कहीं साइड पे लगा सकें। ये आप देख सकते हैं, ये अभी कुछ थोड़े से टाइम में ही ये हुआ, मेरे ख्याल में ओवर स्पीड की वजह से हुआ होगा। 8:45 है, और वो हमारे एहलकार कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको किसी तरीके से एक साइड पे कर लें, मगर आई थिंक कि वो उसका व्हील, क्योंकि वो जैम हो चुका है। देखें आप, वो अंदर आ चुका है, बिल्कुल निकल चुका है, बैरिंग उसके शायद टूट गए हैं, आई थिंक सो। तो अल्लाह करम करे जी, अल्लाह इन सब पे फजल करे, हम पे भी अल्लाह पाक खैरियत करे। जी अस्सलाम वालेकुम, ये क्या हुआ भाई? और ये क्या बच्चा गुजर रहा था, उसको बचाते हुए जो, ओहो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। किसी की जान या थोड़ा सा भी नुकसान उसका तो ठीक नहीं हुई, तो ठीक हो जाएगी ना। ये जी हमारे वो इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार हैं, बता रहे हैं कि किसी बच्चे की, बच्चा गुजर रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, तो वो एकदम से आगे आ गया, तो एकदम से इन्होंने गाड़ी को साइड पे किया और उसकी जान बचाई। ये बहुत बड़ी बात है, आई अप्रिशिएट, हम सब अप्रिशिएट करते हैं इनके लिए कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अपने लिए इन्होंने तकलीफ़ पैदा की, मगर उसको बचा के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया आई थिंक। और हमारी ट्रैफिक पुलिस और पुलिस दोनों इन टाइम पहुंच गई, रोड को थोड़ा सा ब्लॉक किया साइड से, ताकि कुछ कोई गाड़ी यहाँ से ना गुजरे और उनको लॉस ना हो। तो ये वो देखें, वो दोस्त एक दूसरे को विश कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। ये बहुत 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 बड़ा काम किया उन्होंने। देखिए जी, ओवर स्पीडिंग के मामले में पहले आपको कहा है कि हमारे इतने सारे कानून हैं, ट्रैफिक कवानीन हैं, अगर हम थोड़ी सी भी उसकी पासदारी करें ना, थोड़ी सी भी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, तो अल्लाह जानता है कोई ऐसा वाकया नहीं होगा। और वरना देखें, ओवर स्पीड में अगर ये कम स्पीड में होते तो ये हल्की सी ब्रेक पर भी रुक सकते थे, मगर लाजिम इनकी भी थोड़ी स्पीड ज़्यादा। देखें ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं, छोटा सा रोड है, इस पर इतनी तेज़ तेज़ गाड़ियों चलाने का कोई मकसद ही नहीं बनता। वो देखें, वो ट्रैफिक पुलिस वाले उनका वो पिक ले रहे हैं गाड़ी की, क्योंकि वो जाए वकुआ के लिए उन्होंने लाजम उनको चाहिए होता है सब कुछ, ताकि उनको पता हो कि क्या हुआ, कहाँ हुआ। क्योंकि ये F7 थाने की हदूद में आता है, तो ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका डेटा सारा कलेक्ट कर सकें और उसको वो कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी पुलिस, हमारी ट्रैफिक पुलिस, ये ट्रैफिक कवानीन का अगर हम थोड़ा सा भी रियली ख्याल करें ना, तो रियली कुछ थोड़ा सा भी वाकया है। देखें वो उन्होंने भी ये देखें डिपर लगाए हुए हैं भाई, डबल इंडिकेटर लगाने का मकसद ये होता है गाड़ी का। देखें वो उस गाड़ी में, आप देखें वो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी है, डबल इंडिकेटर का मकसद ये है कि हम ये गाड़ी यहाँ पे पार्क हुई हुई है तो आप अपना रास्ता साइड से लें, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। तो ये थोड़ा सा हम एहतियात में, हमें थोड़े से रूल्स फॉलो करने में हमें कभी कभी भी कोई टेंशन नहीं होगी। बहरहाल
हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह इनको सब्र दे, अल्लाह इनको अजर दे, इन्होंने उस बंदे की जान बचाई, उनकी हिफाजत की। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आपका होस्ट इजाज़त चाहता है PK92 से प्लस से। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।